दूसरी ओर भिलाई निगम में टैक्स कलेक्शन के लिए श्री पब्लिकेशन एंड स्टेगनर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कार्य सौंपा गया है। टैक्स वसूली के कार्य में तेजी भी आई है। वहीं कंपनी के कर्मचारी विभिन्न वार्डों में घूम घूम कर भी टैक्स वसूली का कार्य कर रहे हैं। टैक्स वसूली में पिछड़े भिलाई निगम में अब टैक्स वसूली को लेकर तेजी भी देखने को मिली है। भिलाई निगम में संपत्ति कर वसूली का कार्य श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपा गया है। साथ ही निगम के जोन कार्यालयों में भी टैक्स वसूली का कार्य किया जा रहा है। वहीं नगर निगम के बड़े बकायेदारों से निगम प्रशासन सख्ती बरतते हुए कुर्की जैसी कार्रवाई भी कर रहा है। कुर्की से बचने लोग स्वमेव संपत्ति कर जमा करने निगम मुख्यालय पहुंच रहे हैं। संपत्ति कर वसूली की जानकारी नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने दी। संपत्ति कर वसूली के लिए एजेंसी है, ऑनलाइन भी इसका पेमेंट होता है और काउंटर भी सभी जोन कार्यालय में मुख्यालय में भी हैं और लोग जो एजेंसी के लोग हैं उनको आईडी दी हुई है और वो डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। घर में भी आपके जाएंगे और वो वसूली कर रहे हैं और 21 मार्च तक जिनका भी पेमेंट बाकी है इस वर्ष का वो जमा कर देंगे तो अधिभार से बचेंगे, नहीं तो फिर बाद में फिर क्या है 18% अधिभार लगेगा। तो लोग सभी से नागरिकों से अपील है कि अपना टैक्स जो है वो समय है, अभी जमा कर दें और अधिभार से बचें। बहरहाल निगम प्रशासन ने संपत्ति कर की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है। कार्रवाई से बचने लोगों को सही समय पर संपत्ति कर की राशि निगम में जमा किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।